हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स, जिससे आप अपना समय अपना पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के नाइफ सीजर्स हमारे पास किचन में हर किसी के पास होते हैं, लेकिन कुछ समय तक इनको रेगुलर यूज करने के बाद क्या होता है, ये सभी ब्लर हो जाते हैं। इसकी जो धार होती है वो कम हो जाती है, तो या तो फिर आप इनको धार लगवाइए दोबारा से, जिसमें आराम से 20-30 रुपये एक नाइफ के ले लेता है, या फिर आप नए खरीदते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है नए खरीदने की या बाहर से कहीं से भी धार लगवाने की। जो भी चीज़ आपकी ब्लर हो गई है, नाइफ़ या सीजर्स, उसको कुछ देर के लिए इस तरह से गैस पे गर्म कर लीजिए। या जो चिपकने वाला, ये थोड़ा आप साइड में ही रखिए, और इस तरह से फिर आप ले लीजिए कोई भी बट्टा, जो सिल बट्टे का बट्टा होता है वो, या फिर आपके पास कोई सिरेमिक का कप वगैरह जो पुराना पड़ा हो वो भी आप ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो जो आपकी स्लैब है इसकी जो किनारी होती है उस पर भी आप इसको इसी तरह से रगड़ते हुए साफ करें, बहुत इजीली हो जाएगा। बस आपको इसको गर्म करना है और इसके बाद इस तरह से रगड़ लेना है। आप वन बाय वन करके ऐसे कर सकते हैं, पहले एक को करें गर्म, उसके बाद उसको साफ कर लें, फिर दूसरे को, और देखिए बिल्कुल आपके नाइफ ऐसे हो जाएंगे जैसे आप अभी खरीद के लाए हो इसको। तो इसमें आपका एक रुपया नहीं लगेगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, एक रुपया खर्च नहीं करना, और नतीजा तो इतना आपको बढ़िया मिलने वाला है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको ये वाली ट्रिक पसंद आएगी। तो अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो देखिए, जब भी हम कोई नया सामान लेते हैं, चाहे वो कोई नया बर्तन हो, तवा हो, कढ़ाई हो, प्लेट हो, कटोरी हो, गिलास, जो भी कुछ हम लेते हैं उस पर इस तरह के स्टिकर लगे रहते हैं। ये मेरे पास नॉनस्टिक तवा है जो मैंने अभी ख़रीदा है, और इस पर देखिए ये स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ निकालने की, नहीं निकल पाएगा। और ये नॉनस्टिक है तो ऑब्वियस है ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई नया बर्तन लें उसको आप कुछ सेकंड के लिए गैस पे रख दें। अगर आपका बर्तन किसी मेटल का है तो आप उसको गैस पे रख दें, और कुछ सेकंड में जब ये गर्म हो जाए तो आप इसको ईजिली बहुत आसानी से हटा पाएंगे। लेकिन अगर आपका बर्तन सेरेमिक का है, आपका बर्तन ग्लास का है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको कुछ टाइम के लिए आपको गर्म पानी में डाल देना है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये जो स्टिकर हैं ये आपके उतर जाएंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई इसमें खरोच वगैरह के कोई निशान नहीं होंगे, ये देखिए। और अब आप इस पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको किसी कपड़े से क्लीन कर लीजिए। तो है ना बिल्कुल मैजिकल ट्रिक, आई होप आपको पसंद आएगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जब भी फ्रेंड्स हम बादाम से कोई रेसिपी बनाते हैं, जैसे बादाम का हलवा हो गया, बादाम का शेक हो गया, तो हम बादाम को भिगोते हैं, उसके बाद उसको छीलते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि उसको छीलने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, भीगे हुए बादाम को आपको इस तरह से पानी में डाल देना है उबलते हुए में 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर आप देखेंगे कि जो बादाम छीलने में आपको घंटों घंटों का टाइम लग रहा था वो आप कुछ ही सेकेंड में कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी और आपके सारे बादाम आप छील पाएंगे। तो कैसी लगी आप सभी को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।